साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है 75 जिले की 75 बड़ी खबरों का। आजमगढ़ की धक्का मार बस, यात्री लगाते हैं धक्का। परिवहन मंत्री के पड़ोसी जिले में बसों की हालत बेहाल। अयोध्या के सरयू तट पर मटन पकाते पकड़ा, एक सप्ताह में दूसरी बार मटन पकाते मिले संतों में नाराजगी। शामली में एटीएम बदलकर पैसा निकालने वाला गिरफ्तार, अलग अलग बैंक के 50 एटीएम बरामद। गंगा में मूर्ति विसर्जन करने पर होगी कार्रवाई, एनजीटी के आदेश के बाद प्रशासन गंभीर। गंगा घाट पर पुलिस की दी गई तैनाती। जमीनी विवाद में चाचा की भतीजे ने की हत्या, मृतक साधु भतीजे के बजाय उसके बेटे के नाम कर दी थी जमीन। प्रयागराज विद्युत परिषद की बड़ी पहल, संगम क्षेत्र के चारों तरफ 5 कोस में मांस मदिरा पर लगे रोक ताकि गंगा रहे स्वच्छ। हाथरस में सरकारी भूमि पर बनेगी राशन वितरण की दुकानें, डोर स्टेप डिलीवरी हो सकेगा आसान। मेरठ पहुंचे प्रभारी मंत्री नंद गोपाल नंदी का एक्शन, गिरफ्तारी ना होने पर नाराज इंस्पेक्टर को हटाने के निर्देश। गोंडा में रिटायरमेंट के बाद भी पढ़ा रहे गुरुजी, 2 साल पहले हुए सेवा नेतृत्व, नहीं छूटा पढ़ाने का मोह। मिर्जापुर में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने गाया गाना, आभार कार्यक्रम में पहुंची थी, गाना सुनकर लोग हुए मंत्रमुग्ध। रामपुर में छात्रों को दी जाएगी टॉप क्लास एजुकेशन, प्रधानमंत्री अचीवर्स छात्रवृत्ति अवार्ड योजना के लिए होगी परीक्षा। आगरा में खनन माफिया की दबंग गई, टोल की बैरिकेटिंग तोड़कर 45 सेकंड में निकाले 13 ट्रैक्टर, टोल वाले डंडा चलाते रहे। बाराबंकी में टोल प्लाजा पर एसयूवी सवार की दबंग गई, काली स्कॉर्पियो में बैठे युवकों ने नहीं निकालने दी एम्बुलेंस। प्रयागराज में पैसों को लेकर 20 सड़क पर मारपीट, युवकों ने दुकानदार को पीटा, प्रयागराज बस अड्डे के सामने हुई लड़ाई। आगरा में बदमाशों ने चलाई गोलियां, 6 ग्रामीण घायल, ग्रामीणों ने बाजरा के खेत में घेरा तो कर दी अंधाधुंध फायरिंग। फतेहपुर में किसान की हत्या करने वाले 2 भाई गिरफ्तार, 2 फरार को खोज रही पुलिस। मेरठ में दंपत्ति परेशान रहते, उनके लिए नवजात किया चोरी, से 20 घंटे के नवजात को चोरी करने वाला सीसीटीवी में हुआ कैद। जौनपुर में पुरानी किताबों से पढ़ने को मजबूर है छात्र, 5 महीने में मात्र 43% किताबें, छमाही परीक्षा की तैयारियां शुरू। हमीरपुर में शराबी युवक ने की आत्महत्या, पहले बेटी से मंगाया ब्लेड, फिर गला खुद का काटा, घरेलू कलह बनी मौत की वजह। बलिया में जायसवाल समाज ने धूमधाम से मनाई बलभद्र जयंती, समाज के उत्थान पर दिया बल।
फिरोजाबाद में बढ़ रहे लंपी के मामले, 3 गाय आइसोलेट, प्रभावित क्षेत्र में होगा सैनिटाइजेशन, एंटी लार्वा का छिड़काव। उन्नाव में महिला की चेन तोड़कर भागे लुटेरे, मॉर्निंग वॉक पर निकली थी, 10 दिन पहले भी हो चुकी है ऐसी घटना। गोंडा में बाढ़ के पानी में नंगे पांव पैदल चले एसडीएम, लोगों का जाना हाल, आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के दिए निर्देश। मुजफ्फरनगर में रालौद विधायक और सपा जिला सचिव ने समझौता, डॉक्टर इसरार अलवी ने विधायक अनिल कुमार का फूका था पुतला। पीलीभीत में हिंदूवादी नेता ने मेडिकल के छात्र पर चढ़ा दी बाइक, छात्रों ने कोतवाली का किया घेराव। लखनऊ के लेवाना होटल में भीषण आग, तोड़ा गया इमरजेंसी गेट, खिड़कियों से निकाले जा रहे लोग। वाराणसी के बीएचयू में आधी रात बवाल, 2 होटलों के बीच चले पत्थर डंडे, 4 छात्र ट्रामा सेंटर में भर्ती। कौशाम्बी में पिटाई से बुजुर्ग की मौत, परिजन बोले पुलिसकर्मियों ने राइफल की बट से मारा। गोंडा सड़क हादसे में 2 युवक की मौत, ट्रक से भिड़ी बाइक, 1 की हालत गंभीर। आगरा के चामुंडा मंदिर के महंत को अधमरा कर लूट, चढ़ावे का 1000 रुपए ले गए बदमाश। अलीगढ़ पुलिस की चोरी के वाहनों को लेकर बड़ी कार्रवाई, चलाया सघन चेकिंग अभियान। औरैया में 2 पक्षों के खूनी संघर्ष में 1 व्यक्ति की हुई मौत, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। बिजनौर में बुखार से 2 बच्चों की मौत, अब बुखार से 7 लोगों की मौत से ग्रामीणों में दहशत। अलीगढ़ में पत्रकार पर दर्ज हुआ झूठा मुकदमा, मुकदमे को लेकर पत्रकारों में दिखा आक्रोश। गाजियाबाद में पुलिस व बदमाशों की मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। अलीगढ़ में नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के आरोपी जान से मारने की दिया धमकी। बिजनौर पुलिस ने फर्जी दरोगा को किया गिरफ्तार, वर्दी में लोगों पर जमाता था रौब, नौकरी के नाम पर करता था ठगी। गाजियाबाद में बदमाशों ने डॉक्टर को जमकर पीटा, घायल डॉक्टर को अस्पताल में कराया गया भर्ती। गोंडा में हत्या कर शव को छिपाने की घटना का अनावरण, 2 अभियुक्त गिरफ्तार, मोटरसाइकिल व चादर बरामद। लखीमपुर खीरी में अधेड़ को बाइक सवार ने मारी टक्कर, इलाज के दौरान अधेड़ की हुई मौत। गोंडा में घाघरा नदी के जद में आए सैकड़ों घर, सैकड़ों परिवार हुए बेघर, नहीं मिल रहा प्रशासन की मदद।
कानपुर में महिला समेत दो बच्चों का शव मिलने से मचा हड़कंप। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कुशीनगर पुलिस ने चोरी करने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश। चोरी हुए सामान के साथ दो अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। लखीमपुर खीरी में जंगली हाथियों ने मचाया तांडव। कई एकड़ फसलों को किया बर्बाद। मथुरा की वृंदावन राधा अष्टमी महाउत्सव की धूम। चंचलापति दास ने कहा आध्यात्मिक उत्प्रेरणा का स्रोत है राधा रानी। मऊ में बाइक और ट्रैक्टर के भिड़ंत हादसे में एक की हुई दर्दनाक मौत। कोपागंज जाते वक्त हुआ हादसा। लखीमपुर खीरी में गणेश महोत्सव की धूम। उत्तराखंड से आई बाबरा एंड पार्टी द्वारा भव्य धार्मिक झांकियों का किया मंचन। मथुरा पुलिस को चेकिंग के दौरान मिली सफलता। पुलिस ने अवैध शराब के साथ तस्करों को किया गिरफ्तार। बाहुबली मुख्तार पर मऊ कोर्ट का चला हंटर। मुख्तार अंसारी को तलब करने के एमपी एमएलए कोर्ट ने जारी किए निर्देश। अलीगढ़ में जमीनी विवाद को लेकर हुआ गोलीकांड। एक गंभीर घायल गुस्साए परिजनों ने हाईवे किया जाम। संभल में झोला छाप। डॉक्टर को बचाने के लिए नोडल अधिकारी एवं फार्मासिस्ट का नया खेल। लेन देन का वीडियो हुआ वायरल। शाहजहांपुर नगर निगम चुनाव के सपा प्रभारी अनिल वर्मा ने बिजलीपुरा कार्यालय पर की बैठक। बनाई जीत की रणनीति। अलीगढ़ में बच्चों के विवाद में खूब चले लाठी डंडे। पीड़ित परिवार ने थाने में लगाई मदद की गुहार। मृतक साहिबा कौर के घर पर रिश्तेदारों का पहुंचना शुरू। परिजनों में मचा कोहराम। कुछ ही दिनों बाद होनी थी शादी। बुलंदशहर में आवारा सांड के हमले से किसान की मौत। बाजरा के खेत पशुओं को चारा काटने गया था किसान। कन्नौज में पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में चले थे लाठी डंडे। एक ही परिवार के पांच लोग घायल। तीन की मौत। ओम प्रकाश राजभर को बड़ा झटका। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सहित 30 लोगों ने दिया इस्तीफा। आगरा में बाल्टी में डूबकर 2 साल के मासूम की मौत। फतेहाबाद में खेलते समय गिरा बच्चा। जालौन में पुलिस वालों में चले लात घुसे। दोनों पुलिसकर्मी नशे में थे धुत। आधे घंटे तक एक दूसरे को पटक पटक कर पीटते रहे। आगरा में संदिग्ध अवस्था में वृद्ध की मौत। घर के अंदर लहूलुहान हालत में मिली लाश। खाना बनाने वाली महिला पर शक। कन्नौज में नायब तहसीलदार से महिलाओं ने की अभद्रता। जमीन कब्जे की शिकायत पर पहुंचे थे गिहार बस्ती। महोबा में भाजपा नेता पर सरकारी जमीन कब्जा करने का आरोप। पीडब्ल्यूडी के जेई ने थाने में दी लिखित शिकायत। बदायूं में हाईवे किनारे मिला युवक का शव। हत्या और हादसे के बीच उलझा मामला। जेब में मिली
पायजेब। सुल्तानपुर में ऑटो ड्राइवर ने महिला का किया अपहरण, एक महीने से पत्नी को ढूंढ ढूंढ कर थक गया पति। कौशाम्बी में कर्ज से परेशान मजदूर फंदे से लटका मिला, साहूकारों से ले रखा था 20,000 का कर्ज, पत्नी बोली हत्या हुई। संत कबीर नगर में चौराहे पर युवक की चाकू से गोद कर हत्या, आरोपी को लड़की के साथ देखने को लेकर चल रही थी रंजिश। बस्ती में सरयू नहर में मिला युवक का शव, परिजन बोले घर से मुंबई के लिए निकला था, चला गया था बहन के पास। झांसी में करंट लगने से बस कंडक्टर की मौत, सामान उतारने के लिए बस की छत पर चढ़ा था, हाई टेंशन लाइन की चपेट में आया। बुलंदशहर इंसाफ सेना ने किया प्रदर्शन, प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग के लेखा अधिकारी पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। सीएम योगी ने 8 प्रिंसिपल और 75 शिक्षकों को किया सम्मानित, योगी बोले शिक्षा से भारत बनेगा विश्वगुरु। जालौन में पूर्व प्रधान ने लगाई फांसी, लाखों का हो गया था कर्ज, प्रधान रहते लिए नहीं कर पाए थे चुकता। बैठने के लिए चारपाई नहीं छोड़ी तो किया हमला, शामली में दबंगों ने घर से निकाल कर पीटा। वाराणसी में किडनैपर ने फोन पर मांगी फिरौती, परिजन कैश लेकर पहुंचे तो फोन बंद हो गया। बलरामपुर में बच्चा चोर समझकर युवक को पेड़ से बांध कर पीटा, मानसिक रूप से कमजोर है पीड़ित, पुलिस ने छुड़ाकर अस्पताल में कराया भर्ती। देवरिया के शिक्षक खुशिर्द अहमद को मिला राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार, कंपोजिट विद्यालय सहवा में है विज्ञान शिक्षक। फिलहाल 75 जिले की 75 बड़ी खबरों में इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।